दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और ये नवदुर्गा का पर्व चल रहा है, आप लोगों को सभी को पता है। तो हम हैं इस समय ललितपुर में, सोनू भाई हमारे साथ है और ललितपुर में एक बहुत ही गजब और दर्शनीय माता जो हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पर विराजमान है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दर्शन कराना चाहता हूँ। ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, स्कूल की बच्ची भी माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलते हैं मंदिर की दर्शन कराते, माता जी के दर्शन कराते आपको। सोनू भाई हमारे साथ हैं, आज कोई भाई माइक नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी माता जी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। तो चलते हैं मंदिर और भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को आगे ज़रूर भेजिएगा, है ना। चलते हैं मंदिर। तो ये पंडाल आप जो देख पा रहे हैं, यही ये पंडाल दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलता हूँ थोड़ा अंदर लेकर। जब तक अंदर नहीं जाओगे समझ में नहीं आएगा। भाई देवी जी देख सकते हो, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर। देख सकते हो भाई ये क्या भव्य दर्शन है दोस्तों। तो आप लोग भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को आगे भेजना। देख सकते हो भाई इतना भव्य दर्शन दोस्तों ललितपुर जिला में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा कि मैंने गणेश जी का स्थापना कराया था और वहां पर 10 दिन हवन पूजन कराया। तो आज किसी काम से दोस्तों ललितपुर आए हुए थे, तो आप हमारे पीछे देख पा रहे ये जो दिव्य दर्शन है, मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को हमारे ब्लॉग के माध्यम से दिखाया जाए। तो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोलकाता की झांकी, जो कोलकाता में इसी प्रकार से झांकी लगता है, कोलकाता में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं भाई 3-4 दिन की जो झांकी लगता है, और ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, घर से लगभग कोई 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो सुबह हम घर से निकल आए थे अभी 1-1.5 घंटा पहले। तो दर्शन देख सकते हो आप, भव्य दर्शन, थोड़ा सा मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा दर्शन है। दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। झांकी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबा देना, आने वाले समय में हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को। तो ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में माँ दुर्गा जी की झांकी और देवी जी के दर्शन आप लोगों को कराया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कमेंट में ज़रूर जय माता दी लिखे जरूर दोस्तों, क्योंकि कमेंट में अगर जय माता दी लिखो तो माता जी सारे दुखों को हर लेते हैं। जय माता दी।